कोई भी देश विकसित देश कैसे बनता है, विकसित देश कोई भी देश कैसे बनता है, यही तीन चीज चाहिए विकसित होने के लिए। एक तो कच्चा माल, दूसरा जानते पूंजी, तीसरा तकनीकी। अब विकसित देशों के पास कच्चा माल था नहीं, तो उन्होंने उपनिवेश बनाया, दूसरे देशों पे कब्जा किया और वहां से कच्चा माल ले आए। कच्चा माल देखिए विकसित देशों के पास ये नहीं था, तो उपनिवेश बना करके, कॉलोनी बना करके उन्होंने दुनिया के तमाम देशों से संसाधन इकट्ठा किया और पूंजी और तकनीकी के माध्यम से कारखाने लगाए। कारखाना लगाने के लिए तो ये चाहिए ना, कारखाना मुख्यतः तकनीकी के आधार पर लगता है, लेकिन पैसे से ही तो तकनीकी आप डेवलप करेंगे, खरीदेंगे। लेकिन जापान के पास देखिए, ध्यान सुनिए, जापान के पास ना कच्चा माल था ना पूंजी थी, ये दोनों चीज नहीं थी। आप कहेंगे कैसे नहीं था, अरे द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया गया, नागासाकी हिरोशिमा, हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 और नागासाकी में 9 अगस्त 1945, तो जिसके नाते उसका कच्चा माल तो वहां था ही नहीं और पूंजी भी लगभग उसकी खत्म हो गई, तो उसके पास सिर्फ एक चीज थी, तकनीकी थी। तो उसने क्या किया, टेक्नोलॉजी डेवलप करके पूंजी कमाया, टेक्नोलॉजी डेवलप करके उसने पूंजी कमाया, पैसा कमाया और पैसे से कच्चा माल खरीद लिया, रॉ मटेरियल खरीद लिया पूरी दुनिया के देशों से। हम लोगों ने पारादीप बंदरगाह बनाया ताकि भारत का सारा जानते लोहा निर्यात कर दिया जाए, लौह अयस्क, और अंततः विकसित हो गया। तकनीकी अगर आपके पास है तो किसी भी चीज की जरूरत नहीं। गूगल एप्पल के पास क्या है, आप जो मोबाइल में देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, ये सब एक टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी तकनीकी के बल पे सब कुछ हो सकता है। अब तो कहा जाता है खाली तकनीकी हो जाए तो सब प्राप्त है, क्योंकि तकनीकी अगर आपके पास होगी तो आप इसी से पूंजी कमा लेंगे, पैसा, और उसी से कच्चा माल खरीद लेंगे और फिर जानते हैं कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी काम।